हेलो गाइस, आप जो अभी देख पा रहे हैं ये LDR स्विच है। रात को आपका लाइट जल जाएगी, दिन को आपका लाइट जो है बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो आज इस वीडियो में आपको इस सर्किट को बनाने के बारे में बताएंगे और इसको इजीली कैसे बना सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में कम्प्लीट आपको दिखाऊँगा। इसको बनाने के लिए फ्रेंड आपको ज़रूरत पड़ेगी जीरो पे से भी एक रिले, जो कि 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 12 वोल्ट ही यूज करें, और एक LDR जो कि मार्केट में जल्दी मिल जाएगा, 557 का ट्रांजिस्टर और एक 547 का ट्रांजिस्टर जो कि जल्दी मिल जाएगा। NPN और PNP यूज करेंगे। यहाँ पे 47K का रेजिस्टर और 1K का रेजिस्टर यूज करेंगे। LED लाइट के लिए 1K का रेजिस्टर यूज कर रहा हूँ और दूसरे ट्रांजिस्टर को स्विच करने के लिए 1K का रेजिस्टर यूज कर रहा हूँ। वायर है और यहाँ होल्डर है, 2 पिन है और ये है। तो चलिए फ्रेंड पहले इस सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे में इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताते हैं। तो पहले सर्किट डायग्राम को समझना पड़ेगा, तभी जाके अभी इस LDR स्विच को आप इजीली बना पाएंगे। और बहुत ही कम कॉस्ट में हमने इसको तैयार किया हूँ और बहुत ही कम कॉस्ट में आप भी इसको तैयार कर सकते हैं। 20 से 30 रुपए के अंदर में ये LDR स्विच आपको बन जाएगा। आप मार्केट से इसका जो भी पार्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक LDR लगा हुआ है, 47K का रेजिस्टेंस लगा हुआ, 1K का 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक LED लगा हुआ है और 547 और 557 का 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ और एक 12 वोल्ट का रिले और एक अपना 100 वाट या LED लाइट कुछ भी लगा सकते हैं। ये तो हमने ऐसे सैंपल के लिए दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर लाइट आएगा तो ये ऑटोमेटिक ये लाइट हमारा बंद हो जाएगा, अंधेरा होगा ऑटोमेटिक ये हमारा लाइट जल जाएगा। तो चलिए अब इस सर्किट डायग्राम को आपको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर 12 वोल्ट DC देंगे इस सर्किट को स्विचिंग करने के लिए, या 9 वोल्ट भी दे सकते हैं रिले को ओवर करने के लिए। उसके बाद यहाँ से 220 वोल्ट एंट्री करेंगे यहाँ पे जो आपका जलेगा। तो चलिए पहला जो ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे 547, जिसमें इस ट्रांजिस्टर का जो कनेक्शन है, पहला नंबर पिन नेगेटिव आउटपुट है, थर्ड नंबर पिन नेगेटिव इनपुट है। तो बैटरी का जो 12 वोल्ट का पिन होगा, 12 वोल्ट बैटरी का माइनस जो है वो माइनस पॉइंट 12 वोल्ट से जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से कनेक्शन, और माइनस से एक LDR को भी जोड़ेंगे जो कि ये वाली कनेक्शन जुड़े हैं। उसके बाद बीच वाली पॉइंट जो है 547 नंबर ट्रांजिस्टर का, उसमें एक 47K का रेजिस्टेंस लेंगे और 12 वोल्ट बैटरी के साथ डायरेक्टली जोड़ देंगे। और LDR का सेकंड वाली पिन को इससे ट्रांजिस्टर का पिन का बीच वाली पिन में जोड़ देंगे। LDR का कनेक्शन कम्प्लीट हो गया हमारा, 47 का कम्प्लीट कनेक्शन कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ से मुझे आउटपुट मिल गया, जब LDR में काम होगा तो यहाँ से मुझे आउटपुट सिग्नल मिल जाएगी, जो कि आउटपुट सिग्नल से आपका ये लाइट का कनेक्शन करेंगे, जो कि यहाँ से लाइट का कनेक्शन में यहाँ नेगेटिव देंगे और 1K का रेजिस्टेंस से पॉजिटिव दे देंगे। यहाँ पे एक ग्रीन लाइट हमारा जल जाएगा, सिग्नल मिल गया। यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस मैंने लगाऊँ इस ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस लेंगे इस ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन में, अर्थात बेस वाली पिन में जोड़ देंगे। सिंपल सा है, बीच वाली पिन में जोड़िए। अब बेस उसके बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा बाद में। तो चलिए आप बीच वाली पॉइंट में जोड़ देते हैं। आप यहाँ पे प्लस वाली पॉइंट 12 वोल्ट का, यहाँ से प्लस वाली ए वाली पॉइंट यहाँ से कुछ ऐसे करते हुए मैंने यहाँ पर लिया है और यहाँ 1K का रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर LED लाइट में जोड़ा। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पिन में प्लस पॉइंट का जोड़ देंगे, ताकि अब मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो आउटपुट मुझे मिलेगा फर्स्ट नंबर पिन में, जिससे कि यहाँ से मैं रिले को कनेक्शन दे दूँगा। उसके बाद नेगेटिव जो है यहाँ से 12 वोल्ट का नेगेटिव इस रिले में नेगेटिव डायरेक्ट दे देंगे। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे जब भी ये काम करेगा यहाँ से सिग्नल जाएगा, इस सिग्नल के होते हुए यहाँ पर डायरेक्टली प्लस वोल्ट को यहाँ पे देगा, उसके बाद ये रिले हमारा जो है स्विचिंग करेगा। उसके बाद यहाँ पर AC की लाइन में एक AC की लाइन को यहाँ पर इनपुट करेंगे और ये दोनों से आउटपुट ले सकते हैं, जिसे आपको काम करवाना है, रात में ऑफ रहे दिन में ऑफ रहे, तो ये दोनों कनेक्शन से आप यहाँ पे आउटपुट आप ले सकते हैं। AC की लाइन एक इनपुट किए एक आउटपुट हो गया, यहाँ पे लाइट में यहाँ कनेक्शन हो गया और एक न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे कनेक्शन हो गया, फेज इसमें दिया यहाँ से लेके यहाँ आ गया और ये न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो आपका काम करेगा 220 वोल्ट यहाँ दे दिए, एक छोटा सा अडैप्टर लगाएंगे 12 वोल्ट का, जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे, ये ऑटोमेटिक आपका स्विच काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये LDR स्विच है, लाइट है, ये हमने बनाया हूँ और चलिए इसको क्लियर तो आपको डायग्राम के साथ हो
हो ही गया होगा, तो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ तक तो कनेक्शन कर ही लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पे होल्डर और एक टू पिन और वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, जो कि एसी लाइन इसमें घुसेगा और हमारा जो ये लाइट जलेगा। और यहाँ पे इस बोर्ड को चलाने के लिए 9 वोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि इसके लिए पावर सप्लाई इसलिए आपको लगाना पड़ेगा, तभी जाके भी इस LDR स्विच को वर्क कर पाएंगे। अदर मेथड इसमें अभी नहीं है, अगर कोई अदर मेथड आता है तो मैं उसके लिए भी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद डायग्राम के अनुसार मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी वायर है 12 वोल्ट का या 9 वोल्ट कनेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर रहा हूँ। और कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे पावर मैंने दे दिया हूँ। और देखिए अब हमारा जो है यहाँ पे पावर देने के बाद हमारा जो है लाइट ये जलेगा, देखिए जल गया। अभी अंधेरा है इसलिए लाइट जला हुआ है, जब यहाँ पर रोशनी पड़ेगी तो देखिए लाइट हमारा अभी दिखाने लगा। ये रोशनी कुछ अलग टाइप का पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर सीधा रोशनी पड़े सूरज का तो ऐसा लाइट आपका नहीं करेगा, तो इसके लिए डरने मत जाइएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे मॉल का फ्लैश लाइट से आपको करके दिखाता हूँ, जो कि टॉर्च मैंने जला लिया हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लाइट बंद होती है। देखिए टॉर्च का लाइट है, अरे देखिए हमारा बंद हो गया, बहुत ईजीली काम कर रहा। तो ये आप अपना घर के लिए बाहर की लाइट में लगा सकते हैं, जिससे कि एक लाइट नहीं 10 20 30 लाइट जितना कंट्रोल करना उतना कंट्रोल ईजीली आप कर सकते हैं।
अगर इस सर्किट को परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं। Bye.